आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कराहल पधारे। एमपी में विधानसभा चुनाव का समय बेहद नजदीक आता जा रहा है और पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। इसी तारतम्य में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह कराहल में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पधारे। कराहल में कई जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। पनवाड़ा तिराहा स्थित मंडल अध्यक्ष निवास पर जब हमारे संवाददाता द्वारा उनसे पूछा गया कि इस बार भाजपा ने आपके अभेद किले लाहार में कमल खिलाने की बात कही है, तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि लाहार की जनता उनके साथ है, इस बार हम और भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और कहा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं भाजपा की पहली टिकट सूची जारी होती जा रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने प्रदेश को कर्जे से लाद दिया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्योपुर प्रवास पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी कल से पधारे हुए थे, जिसके एवज में वो आज कराल भी यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। जी सर, एक विधानसभा चुनाव सर काफ़ी नज़दीक हैं, इसको लेकर सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? विधानसभा चुनाव प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 17-18 वर्ष में शिवराज सिंह ने जनता को कंगाल कर दिया है। आज कोई भी वर्ग खुशी नहीं है, सब परेशान है, दुखी है। नौजवान लोगों को रोजगार नहीं मिल, वो आत्महत्या करने को मजबूर हैं। किसानों को समय पर खाद बीज और डीजल तथा कृषि यंत्र इतने महंगे कर दिए हैं जिससे किसान की कमर टूट गई। मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की दुगनी आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी दुगनी तो नहीं है, जो थी उनकी वो भी आमदनी उन्होंने छीनने का काम किया है। महिलाएं महंगाई से परेशान हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रदेश में अगर बलात्कार व्यभिचार हुआ है तो मध्य प्रदेश में हुआ है। सबसे ज़्यादा पिछले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में 101,60,000 महिलाएं प्रदेश से गायब हो गई हैं। 48,000 नाबालिग बच्चियाँ जो 18 साल की कम है वो गायब हो गई है। मध्य प्रदेश इसके साथ ही साथ अब अजा दुकानदार, छोटा दुकानदार GST से परेशान है, चौतरफा उसको परेशान कर दिया, खजाना खोखला कर दिया। अभी आदिवासियों के लिए जो बजट आया था राज चिकित्सा के लिए, वो प्रधानमंत्री मोदी अभी शेड्यूल में आए, 20 करोड़ रुपए की जो दवाइयों का पैसा था वो उन्होंने लिखा है, पत्र हमारे पास है, आज हम मौजूद हैं, उसमें लिख दिया है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की खुशहाली के लिए पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, टेंट लगाइए और फूल और खूबसूरत लाइट लगाने उसमें खर्च कर दिए। करोड़ों रुपए जनता की गाड़ी कमाई से जो टैक्स में आती है उसको इन्होंने पूरा लूट डाला। भारतीय जनता पार्टी ने अपने खजाने भर डाले और प्रदेश को कंगाल कर दिया, दिवालिया हो गया प्रदेश। आज कर्जा लेके काम चला रहे हैं, कई विभाग ऐसे हैं जिनको 6-6 महीने से कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली, फर्जी घोषणा रोजाना कर रहे हैं। बीजेपी सर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कमर तो कस चुकी है, अमित शाह के भी लगातार दौरे हो रहे हैं, स्पेशली सर वो क्या कि लार विधानसभा को स्पेशल माना जा रहा है कि इस बार तो गोविंद सिंह जी को हराना है और लार की जनता को उनके चंगुल से मुक्त कराना है, ऐसा सर वो नारा लगा रहे हैं और गोविंद सिंह राजपूत भी मैदान में उतर गए हैं सर आपके खिलाफ। ऐसा है, जनता क्षेत्र की जनता, गरीब गुरबा सब आदमी हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। शिवराज सिंह और मोदी जी अपनी पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं, घबराए हुए हैं, बेचैन हैं, उनकी नाव में छेद हो चुके हैं, उस नाव को डूबना है, नाव मर के लास्ट में डूब जाएगी, इसलिए परेशान हो गए, नाव में पैबंद लगाने आते हैं। जब अपार क्षेत्र हो गए, एक एक लगा के जाते तो दूसरा सड़क जाता है। हाँ, भाजपा में भगदड़ मची है, आपस में जूता पैजार हो रहा है, कई लोगों को टिकट घोषित किए वो विद्रोह पे कर रहे हैं, दूसरे दलों में जा रहे हैं, पार्टियाँ छोड़ रहे हैं। अब आम जनता जो 18 साल से शिवराज सिंह ने पाप किए हैं उसका प्रायश्चित थोड़े भोगना पड़ेगा। वीडियो वायरल हो रही है, एक जिले की कलेक्टर है, कोई कलेक्टर मैडम वो शिवराज जी के प्रोग्राम में भीड़ जुटाने के लिए सभी कर्मचारियों से अधिकारियों से कह रही है। क्या रहा है सर? कलेक्टर सर आप अपनी
क्या राय रखते हैं सर? जिन कलेक्टर अधिकारी जो भाजपा का गुलाम बन के काम कर रहे हैं, पार्टी का शासकीय मुख्यमंत्री के सरकारी जनता के हित के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शिवराज सिंह की यात्रा जो राजनीतिक है उनमें मदद कर रहे हैं, उन कर्मचारियों की एक एक कर्मचारी को 2023 के दिसंबर के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनने पर उनको सबक सिखाएंगे, उनको नौकरी करना सिखा देंगे कि तुम्हारे कर्तव्य ड्यूटी क्या है, तुम जनता की गाड़ी कमाई की पकड़ लेते हो तो जनता के सेवा को न कि तुम भारतीय जनता पार्टी के गुलाम। पूरी तैयारी है, चुनाव जीतेंगे। प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी अभी यहाँ से प्रोग्राम करके जा चुके हैं, ये उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेस के तमाम मौजूद हैं, इनसे मिलकर जानेंगे क्या इनको ऐसा वो जीत का मंत्र देकर गए जिससे ये उत्साहित हुए हैं। जी मंडल अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं निकेश कंसल जी, बताइए क्या आप एनर्जेटिक हुए हैं गोविंद सिंह जी के आने से? देखिए आज श्योपुर जिले के प्रवास पर माननीय नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी पधारे, कार्यकर्ता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। हम घर घर जाकर सभी जो योजनाएं हैं कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र में दिया है, 500 रुपये में सिलेंडर का, नारी सम्मान योजना का, कर्ज माफ़ी का, हम सभी इन योजनाओं को, उनके वचन पत्र की योजनाओं को सभी जनता को, महिलाओं को हम घर घर जाकर अवगत करा रहे हैं। ये प्रदेश स्तर के नेता हैं प्रदीप चौहान जी, ये बताएंगे कि ये क्या इस बार कांग्रेस की सरकार बनते देखना चाहते हैं, और बनते देखना चाहते हैं तो ऐसी क्या बुनियादी है कि सरकार बन रही है? जी हमारी मध्य प्रदेश में सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है, आदरणीय कमलनाथ जी हमारे भावी मुख्यमंत्री रहेंगे मध्य प्रदेश के, आगामी विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और आज आदरणीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर साहब गोविंद सिंह जी का आगमन हमारे श्योपुर की धरा पर हुआ, उनका जगह जगह भव्य स्वागत हुआ और माल्यार्पण किया गया। कराल में भी हमारे कई कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर, गोरस और पनवाड़ा तराहे पर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष का स्वागत किया, और आदरणीय नेता जी हमारे सबके डॉक्टर साहब ने नई ऊर्जा और नई दिशा हम लोगों को दी। आप एक ब्लॉक संगठक होने के नाते कांग्रेस के क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के विषय पर? देखिए डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे यहाँ पर पधारे, और गोविंद सिंह जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं और लगातार 8 बार वो विधायक हैं, अभी वर्तमान में भी प्रतिपक्ष के नेता हैं, और उनके आने से जो मैं जो कैपेसिटी हमारी जो युवा में है देखने को मिली है, और जब भी वो आते हैं तो हमारे बीजापुर विधानसभा में ऐसी ऐसी मतलब अभी जैसे मान लो बालिम समाज के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ फंड भी उपलब्ध कराया है जो अभी हमारे बीच उपस्थित हैं जिला उपाध्यक्ष कमल सिंह कुशवाहा जी, ये बताएंगे कि क्या इस बार कांग्रेस बढ़त हासिल करेगी, क्या प्रदेश में कांग्रेस की हवा है, क्या इनका नज़रिया है, बताइए। आप देखिए आपने प्रश्न मुझसे पूछा क्योंकि आप भी महसूस कर रहे होंगे प्रदेश में सरकार बन रही है या नहीं बन रही है। सर हमारे महसूस करने से क्या होता है, आप तो पार्टी के नाते आप बताइए सर। पार्टी में तो उत्साह है ही, लेकिन अब बीजेपी वाले भी कांग्रेस में आ रहे हैं ना भाई। हाँ ये बात तो देख रहे हैं कि रोज बीजेपी के कोई ना कोई लीडर कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण कर रहा है, अब ये दौर भी आएगा कि कांग्रेस की भी बीजेपी में सदस्यता ग्रहण करेंगे, ये टिकट बंटने के बाद तय होगा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, अभी तो बीजेपी और खाली हो जाएगी भैया, और 150 के पार अब की बार कांग्रेस सरकार। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी यहाँ आए थे, क्या आपको जीत का मंत्र देकर गए हैं? जीत का मंत्र काहे को, वो तो है ही नेता, अपराजित विधायक है वो तो, समझ गया ना, वो उनसे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है, और ये पार्टी लेवल की बात है, लगातार काम करते हैं जनता के बीच में, जनता की सार्वजनिक समस्याओं में मतलब बढ़ते हैं, एक दूसरे के मतलब दुख दर्द में सम्मिलित होते हैं, भाजपा कार्यकर्ता या भाजपा शासन का कोसों हाथ इन सब बातों से कोई नाता रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सब दिख रहा है स्पष्ट है क्लियर, शासन आ रहा है, हवा चल रही है, लोग पूरी तरह समझ चुके हैं कि भाजपा केवल मतलब षड्यंत्र की पार्टी है, सीएम शिवराज जी केवल मतलब घोषणा भी रहे, अब ये सबके मतलब समझ में